देखिए आरटीओ पकड़ते हुए 500 का नोट और ये पकड़ा इसने और आ गया मेरी तरफ में। एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई गाड़ी 14 टायर की लिए कि 16 टायर। कमेंट कर रहा था तो आमिर अली भाई है, उनका कमेंट था कि भाई आप लोड कैसे लेते हो। कोपड़गांव से भाई मैसेज कर रहे हैं कि कमेंट कर रहे थे कि ये आईडी हैक कैसे होती है। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटीसी व्लॉग। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा से पहले होटल राजन में, और रात से पूरा सोया हुआ था और लड़का चला रहा था गाड़ी और अपनी दूसरी गाड़ी भी साथ में खड़ी है और निकले लगे अभी, अब करने लगे अपना सफ़र कंटिन्यू। तो चलें करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। हुआ हमारा यहाँ पे और अब निकल चुके हैं दोबारा, लेट हो चुके हैं हम भाई अपने सफर पे, लेट हो चुके हैं क्योंकि गाड़ी कल काम करवाने लगी उसकी वजह से हम लेट हो गए। दूसरी साथ वाली गाड़ी तो साथ में निकले हैं तो साथ में ही जाएंगे। और चलो मिलते हैं आपसे आगे कहीं। और ये देखिए भीलवाड़ा वाले आरटीओ आगे आगे, यहाँ से लेंगे हमसे एंट्री। देखते रहना ये गाड़ी के आगे आया ये, ओ देखो गाड़ी के शो के सामने बंदा आ गया ये पकड़ा 500 का नोट और निकल आया आप मेरी तरफ, मेरे साथ आप बैठ करें। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ और बस थोड़ी देर के बाद अभी आने वाला है बॉर्डर, आगे कहीं ढाबे पे रुकेंगे वगैरह, फ्रेश वगैरह होंगे हम लोग। दूसरी गाड़ी पीछे आ रही थी, अभी तक पहुंचे नहीं, पता नहीं कहाँ पे है। तो सफ़र कंटिन्यू हमारा, हमारे उस्ताद जी अभी सोए हैं क्योंकि नाइट है, ये पूरे नाइट को चले थे, अभी इनको सोने का टाइम है। तो अभी हम पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स कल के, क्या क्या कमेंट आए हैं देखते हैं। हमें राजस्थान में 3 आरटीओ मिल गए अभी तक, 2 ने 500 रुपये ले लिया, 1 ने 200 रुपये ले लिया। चले मिलते हैं। कमेंट पढ़ रहा था तो आमिर अली भाई है, उनका कमेंट था कि भाई आप लोड कैसे लेते हो, मतलब लोड कैसे कन्फर्म करते हो। और
इंडिया में बस यही सिस्टम है, ब्रोकर है। कोई नई जगह चलेंगे तो अपने यार दोस्त जान फोन शोन लगा के नंबर ले लेते हैं ट्रांसपोर्टर का, ब्रोकर का, ट्रांसपोर्टर नहीं बोलेंगे हम, ब्रोकर ही बोलेंगे, तो ब्रोकर का नंबर ले लेते हैं और फिर आके उनसे बात करते हैं कि हाँ भाई हमें फलां आदमी ने नंबर दिया है, तो हम उसके जान पहचान के हैं, तो हमें यहाँ से कोई माल हो जम्मू श्रीनगर या कहीं का भी, फिर वो उस हिसाब से बताते हैं। ये बात है, इस तरह हम अपना माल बुक करते हैं। और मुझे लगता है कि आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर किसी भाई को मेरे से भी मतलब और कोई उसके पास अच्छी जानकारी हो तो वो भी कमेंट में शेयर जरूर कर सकता है। चले अगला सवाल लेते हैं। कोपड़ गांव से भाई मैसेज कर रहे हैं कि कमेंट कर रहे थे कि ये आईडी हैक कैसे होती है और मालूम कैसे बनता है। भाई हैक कैसे होती है ये तो मालूम नहीं है, और मालूम ऐसे बनता है कि हम अपनी आईडी को खोल नहीं पाते हैं, और जब उसको रिकवर करने की करते हैं तो उसमें आमतौर पर ईमेल चेंज हो जाता है, मोबाइल नंबर चेंज हो कर देते हैं जिसने हैक की हो, हैकर जो भी होता है उसे ऐसे मालूम पड़ जाते हैं। अगर आप जैसे हमारे फॉलोअर्स हो और हम बोलें कि भाई इस पर रिपोर्ट करो तो बहुत सारी रिपोर्टें बढ़ जाती हैं, आएंगी इंस्टाग्राम की तरफ से उठ जाती हैं। तो अभी हमारी ना आईडी उनके पास है ना मेरे पास है, मतलब आईडी ख़त्म हो गई इंस्टाग्राम से, और हमने दूसरी आईडी बना ली है और उसको फॉलो कर लो जाके FHVlog0063 सेम उसी नाम की। एक भाई कमेंट कर रहे थे कि अगर इस धंधे में न्यू बंदे को आना हो तो क्या करें, न्यू गाड़ी लेंगे सेकंड हैंड। भाई अगर इस धंधे में अगर आपको आना हो तो मेरे हिसाब से क्या बोलूँ, अपने बजट पे हिसाब है, अगर आपके पास आपके पास कितना बजट है, क्या सिस्टम है, बस उस हिसाब से आप देखो। अगर आप न्यू गाड़ी लेने जाते हो तो उसमें ज़्यादा से थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको आज की डेट में इंस्टॉलमेंट वापस करने में तकलीफ ना हो, एक नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हो तो सेकंड हैंड गाड़ी भी अच्छी रहती है, 2015 से ऊपर ले लो आप, तो बढ़िया गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि हो रही है, सेकेंड हैंड अच्छी सी गाड़ी हो, पर उसमें ज़्यादातर आपको अच्छी गाड़ी मिलने की उम्मीद बहुत कम रहती है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। फिर आप जब नए धंधे में आ रहे हो, सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, उस पर पैसे ही आपके लगते जा रहे हैं, आपका पूरा मूड ख़राब हो जाएगा मेरे हिसाब से। उससे अच्छा कि अगर आप न्यू गाड़ी ले लें, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा लें फिर अच्छा है, और खुद काम करें, खुद सेट मत बने, काम करें अच्छे से फिर तो ठीक है। अगर आप खुद नहीं चला सकते हो, मतलब नहीं जाना चाहते हो गाड़ी के साथ, तो फिर आप गाड़ी का काम ही मेरे हिसाब से ना करो तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में धंधा ये वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आई होप कि आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल चुका होगा। बाकी जिस भाई को इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी तो वो भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करके बताएं कि मैंने आपका जो रिप्लाई दिया है आपको कैसा लगा है, और भाइयों को कैसा लगा है, सभी रिप्लाई कर दे सकते हैं। एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई गाड़ी 14 टायर की ली कि 16 टायर की, भाई वो आपको ऑलरेडी कबीर सिंह ने कमेंट में रिप्लाई कर दिया है, तो आपने सवाल हमसे पूछा तो हम भी रिप्लाई कर देते हैं। भाई बजट के हिसाब से है, भाई आपका बजट कितना है, अगर आप 16 डायरी ले रहे हो तो 32 फुट ले लो, 14 डायरी ले ले हो तो जितनी आ रही है साथ में वही ले लो, तो आपके बजट के हिसाब से आपके आप कौन सी गाड़ी ले पा सकते हो। तो बाकी कबीर सिंह भी एक 14 डायरियों के मालिक हैं, वो भी अच्छी राय दे सकते हैं, उन्होंने अच्छी राय दी भी है, तो बाकी आगे आप पे डिपेंड है। और एक भाई कमेंट कर रहे थे कि सावदा से 12 डायरी का क्या रेट रहता है। भाई सावदा से रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कबीर सिंह ने बोला है कि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। और एक बात,
12 डेयरी को 18 टन देते हैं, वैसे सिर्फ बोलते हैं कि 18 टन देंगे, पर बहुत कम मिलता है यार 18 टन, बहुत कम। अगर आपकी अच्छी जान पहचान है किसी व्यापारी से तो मिल जाए। हाँ, अगर तेजी हो, जब उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती हो, फिर 12 डेयरी को 18 टन मिलता है। बाकी आमतौर पर यही 16-17, तो दूसरी 10 डेयरी गाड़ी है। अगर आपको स्पेशल केले पे चलानी है, मेरे हिसाब से 10 डेयरी अच्छी है, पर उसकी जो प्रॉफिट है वो इतना खास आज की डेट में रखा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 12 डेयरी ले लो। वो 12 डेयरी गाड़ी ऐसी है कि आज के डेट में मेरे हिसाब से कुछ साल के लिए ऑलराउंडर है। तो 10 डेयरी में 16 टन माल मिलता है। बाड़े की बात है, बाड़ा ऊपर नीचे होता रहता है भाई। ये कच्चे माल का बाड़ा ऐसा है कि ऊपर नीचे होता रहता है, ये मार्केट के हिसाब की बात है इसकी। कभी हाई चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो केले का बाड़ा है कश्मीर का, वो 1,05,000 तक शौबदा से कश्मीर का हुआ था लास्ट। और कम से कम मेरी नज़रों में कश्मीर का जो बाड़ा है, मेरे हिसाब से मेरे कैरियर में जो कम से कम बाड़ा हुआ था वो 44-43 एप्पल सीजन में नीचे आया था। आज से साल नहीं, 2 साल पहले की बात है ये। तो ये इसके अंदर बाड़ा रहता है। तो अभी आम दिनों में, अब इस पिछला साल जो निकला है उसमें 80-90-70 इसके बीच रहा था कश्मीर का बाड़ा। तो उसके मुकाबले जम्मू का बाड़ा 10,000 डाउन रहता है और कश्मीर का 10,000 ज़्यादा रहता है। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग भाई बॉर्डर पे, सुबह के 10:30 पहुँच चुके हैं एमपी बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि जाम लगा हुआ है लंबा सा, क्या होगा रे बाबू, लंबा जाम लग चुका है भाई, क्या करना। जाम तो हमारे साथ ही चलेगा भाई, गाड़ी वालों के साथ ही चलेगा जाम, सुबह सुबह जाम रहता है वैसे। देखते हैं कितना टाइम लगता है जाम में। ये जाम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। पहुंच गए भाई हम जम्मू वाले ढाबे पे। ये भी जम्मू वाला है, वो भी जम्मू वाला है, और हम उधर रुकेंगे, इस ढाबे पे रुकेंगे हम, इस ढाबे पे जहाँ पे रुके हैं भाई हम लोग आके जम्मू वाले ढाबे पे। और दूसरी गाड़ी आ रही है पीछे, क्योंकि वो पीछे रह चुकी थी बॉर्डर पे, टाइम लग गया, तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है शाम में। अब नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और आ रही है 41-63 बॉर्डर पे, दूसरी लाइन पे था और इसको टाइम लग चुका है। और अब नहाएंगे यहाँ पे, फ्रेश वगैरह होंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे। आ गई अपनी दूसरी गाड़ी भी, और लगाएंगे ये भी यहाँ पे। क्यों ना हो, जब छोड़ चाहो तो दर्द
तो भाई इस व्लॉग का करेंगे हम यहाँ एमपी ढाबे पे एंड, और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट। तो भाई जो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें किसी भी किस्म से, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो। और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करें, जिसके जो हैक हो चुकी है, 19,000 फॉलोअर थे। तो प्लीज़ करें इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, FTCVlog0037, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलें करते हैं व्लॉग का यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।